फ्रेंड्स, मैं हूँ राजाराम शाह और आप देख रहे हो टेक टॉक आरएसएल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ वो एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, स्प्लेंडर बाइक है, बहुत पुराना बाइक है, लेकिन तो अभी जो है उसका हालत है वो चलाने लायक नहीं था, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, जो पूरा का फुल बाइक जो है फुल बाइक का मॉडिफिकेशन करेंगे, उसका बहुत सारा चेंजेस हम लोग करेंगे, उसका टैंक से लेके उसका चक्का से लेके पूरा का पूरा जो सिस्टम है पूरा चेंज करेंगे। सिर्फ इसका इंजन जो है इंजन रहेगा, इंजन में भी थोड़ा सा हम लोग काम करेंगे, क्योंकि इंजन में फुल जो है उसका फुल इंजन का किया जाएगा, क्योंकि बाइक का हालत मैं पहले बोला था बहुत ही खराब है। फुल इंजन करके बाकी सब जिसका जो चैचिस है चैचिस और बाकी इंजन जो है वो सेम रहेगा, लेकिन उसके बाद जो भी चीज़ है उसको सब हम लोग चेंज कर देंगे। जैसे स्पोक व्हील था, स्पोक व्हील में उसको एलॉय रिंग में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, और टैंक जो है टैंक थोड़ा सा फ्रॉड लगाया, और मैं पूरा आपको दिखाऊंगा कि टैंक कौन सा मैंने यूज किया हूँ। चलिए फटाफट बाइक को देख लेते हैं, और बाइक में मैंने क्या क्या अभी तक, बाइक अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि बहुत सारा काम बाकी है शुरू से, अभी थोड़ा सा एक जो, मतलब एक बार थोड़ा सा हल्का सा पेंट हुआ है, और मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ कि बाइक का हाल कैसा है, बाइक को दिखा देता हूँ और क्या क्या मैंने चेंजेस किया हूँ अभी तक आज का डेट में, मैं उसको क्या क्या किया हूँ वो भी मैं दिखा देता हूँ। चलिए फटाफट बाइक को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये वो बाइक स्प्लेंडर बाइक अभी पूरा खुला हुआ है, इसमें थोड़ा मॉडिफाई जो मैं कर चुका हूँ उसी को मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैं आप लोगों को कैसे समझ में आएगा कि ये स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर जो है इसका इंजन है, अभी पहचानने लायक जो है इसका इंजन है। इंजन अभी जो है स्प्लेंडर का आप देख सकते हो, इंजन का पूरा काम जो कम्प्लीट हो चुका है, इसका फुल इंजन कम्प्लीट किया है हम लोगों ने, अभी स्टार्ट नहीं किया क्योंकि वायरिंग नहीं है इसमें। और सबसे पहले मैं बोल दे रहा हूँ, ये देखिए ये स्पोक व्हील में था, इसको स्पोक व्हील में से बाद इसको जो है इसमें एलॉय में कन्वर्ट कर दिया मैंने, लेकिन सामने का चक्का ये जो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा कैफेटर टाइप का है, ये देखिए, इसीलिए मैंने क्या किया इसको थोड़ा सा झुका हुआ लुक देने के लिए इसका सामने का जो व्हील्स है इसको 17 साइज लगाया, और पीछे का जो व्हील्स है उसको 18 इंच का लगाया मैंने, ताकि पीछे का थोड़ा सा ये बड़ा रहेगा, ये सामने से थोड़ा सा झुका रहेगा। ये देखिए ये फर्क अभी आ गया बाइक में, क्योंकि पहले जो था सामने भी 18 इंच का था टायर और ये रिम, और पीछे भी 18 इंच का था लेकिन स्पोक में था, इसको स्पोक के बाद मैंने क्या किया इसको कन्वर्ट कर दिया एलॉय में, लेकिन एलॉय में कन्वर्ट करने के बाद मैंने क्या किया सामने का जो है 17 इंच में लगा दिया, पीछे का 18 इंच। अभी देखिए ये बाइक का लुक जो है बहुत चेंज हो गया है, और इसका जो चलाने का पोस्चर है वो भी बहुत चेंज हो गया है, मैं आपको दिखाऊंगा। उसके साथ मैंने क्या किया, ये जो पीछे का आप देख सकते हो चैचिस जो है वो थोड़ा सा कट के छोटा कर दिया मैंने, छोटा करने के बाद यहाँ पे पीछे जो है ये थोड़ा सा बैंड लुक दे दिया, क्योंकि यहाँ पे ये पकड़ने के लिए एक्चुअली बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसमें लाइट लगाते हैं, मेरा अभी सोच ये है कि इसमें लाइट मैं नहीं लगाऊंगा, लाइट लगाऊंगा सीधा यहाँ पे। ये मार्कर देखिए, ये छोटा सा स्कैम्बलर मार्कर मैंने लगाया यूज किया हूँ पीछे में, ये देखिए ये पूरा का पूरा जो है ये कैफे जैसा लुक देने के लिए इसका मार्कर, पीछे का मार्कर जो है वो भी छोटा कर दिया। और सबसे अच्छा बात जो है इसका जो टैंक है, ये टैंक को मैं पूरा चेंज कर दूंगा, टैंक मैं कौन सा यूज करूंगा ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये जो है ये है पल्सर का टैंक, ये पल्सर का टैंक है, इस पल्सर का टैंक को जो मैं अभी इसको यूज करूंगा इसमें, लेकिन हम लोगों को इस पल्सर का टैंक इसमें यूज करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, क्योंकि पल्सर का टैंक यहाँ पे थोड़ा मोटा रहता है, सामने का पोर्शन भी ये थोड़ा मोटा रहता है। इसमें क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट मैं चढ़ा कर दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसका लुक्स जो है पूरा का पूरा चेंज हो गया, क्योंकि लोगों को पहचान में नहीं आएगा कि ये बाइक कौन सा है। एक्चुअली टैंक जो है टैंक को देख के लोग पहचान जाते हैं कि ये बाइक कौन सा है, लेकिन मैंने क्या किया स्प्लेंडर में पल्सर का टैंक यूज किया हूँ, क्योंकि ये बाइक किसी को पहचान में नहीं आना चाहिए कि बाइक एक्चुअली कौन सा है,
जब लोग ध्यान से देखेगा इंजन इसका, तब समझ में आएगा कि हाँ इसका 100cc का इंजन है। एक्चुअली पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया है तो 100cc जो इंजन है, कस्टमर क्या करेगा, इसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा चला पाएगा, क्योंकि 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल है। तो अभी क्या किया मैंने, इसमें देखिए ये जो हैंडल है ये कैफे जैसा टाइप का हैंडल है। अभी इसको अगर मैं इधर करूँगा, ये देखिए ये पहले टच हो जा रहा था, इसीलिए क्या क्या इसको थोड़ा सा कटिंग लुक दे दिया, और इसको पेंटिंग करने के बाद इसका लुक जो है पूरा चेंज हो जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हो, अभी मैं पूरा गाड़ी का जो है आपको मैं व्यू दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए पीछे से बाइक कैसा लग रहा है देखने में, एक मतलब एक नॉर्मल बाइक जो है उसको सेटिंग करने में टाइम ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन एक मॉडिफाइड बाइक को सेटिंग करने में बहुत सारा टाइम लगता है। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इस टैंक के साथ मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो यहाँ पे ये एक चीज मुझे करना पड़ा दोनों साइड में, दूसरा चीज ये है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, टैंक को उल्टा करता हूँ। ये देखिए अभी ये पोर्शन जो है यहाँ पे ये चैसिस का ये यहाँ पे टच हो जा रहा था, इसको क्या किया मैंने, ये देखिए इसको थोड़ा अंदर के टाइप कर, अंदर के तरह कर दिया, अंदर के टाइप। ये देखिए इसको थोड़ा पीट के ये जो थोड़ा बाहर कर, इतना ऊंचा था ये, इसको थोड़ा अंदर कर दिया। अंदर करने के बाद यहाँ से ये इजीली फिट हो जाएगा। ये देखिए और लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वेल्डिंग करके इसका जितना भी छेद है इसको बंद कर देंगे, ताकि पेट्रोल डालने के बाद ये लीकेज ना हो। टैंक को मैं फिट से लगा देता हूँ। ये देखिए टैंक जो है अभी पूरा का पूरा फिटिंग हो जा रहा है, और बाइक का लुक मैं दूर से आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए बाइक का लुक काफी चेंज हो गया है, ये लग नहीं रहा है कि ये स्प्लेंडर बाइक है। फ्रेंड्स ये बाइक का काम अभी बहुत बाकी है, फटाफट जल्दी से मैं ये बाइक को रेडी करना चाहता हूँ, क्योंकि मोटा मोटी जो है इसका जो चैसिस का पेंट है पेंट हो गया, अभी फुल एंड फाइनल पेंटिंग करना बाकी है चैसिस में, फुल बाइक में ही, और उसके साथ ही टैंक सिर्फ ज़्यादा काम नहीं है, टैंक को सब पेंट करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद बाकी का बाकी सारा चीज़ जो पूरा रेडी है धीरे धीरे इंस्टॉल करूँगा, और धीरे धीरे इंस्टॉल का वीडियो में आप लोगों के साथ लेके आऊँगा। फ्रेंड्स जब तक नया वीडियो नहीं आता है तब तक टाटा बाय बाय अलविदा, और आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, ये काम कैसा लगा। एक्चुअली ये जो बाइक बन के रेडी हो जाएगा तब आपको मैं दिखाऊंगा कि ये बाइक का लुक कैसा है, तब भी आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि ये बाइक कैसा हुआ है।